भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी गुलगप्पा रेसिपी। गुलगप्पा सभी को पसंद होता है। सूजी का गुलगप्पा बहुत इजी है, पर नॉर्मली हम जो गुलगप्पा खाते हैं बहुत टफ होता है बनाना, इतना भी इजी नहीं होता है। इसे मसलना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसेस है जो करना पड़ता है, पर ये जो सूजी का गुलगप्पा है इजीली आप बना सकते हो। कोई झंझट झमेला नहीं, मिनटों में बनने वाला रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तेल को गर्म करना है, गरम तेल ही सूजी में ऐड करना है। तो पहले मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसे गरम कर लिया है। पानी पूरी के लिए मैंने सूजी लिया है हाफ कप। इससे 25 से 30 पूड़ियाँ बन जाएगा, पर आप कितना पूड़ियाँ बनाना चाहते हो इस हिसाब से आपको सूजी ऐड करना है। सूजी में अभी गरम तेल मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मोयन आपको देना है। इसके बाद आपको पानी ऐड करना है, पानी भी हल्का गर्म आपको लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो को थोड़ा सा मसलना है, इसके बाद आपको ढककर रखना है। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है गाइस, वैसे आपको जैसे रोटियां हम करते हैं ऐसे ही मसलना है, पर डो आपका सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको ढककर रखना है, ढककर आपको 10 मिनट तक रखना है। इसके बाद फिर से मसलना है, पर इतना भी मसलने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये जैसा हम मैदे से पानी पूरी करते हैं ऐसा नहीं है। पटकना है आपको 5-6 बार ऐसे पटकना है, क्योंकि जो पानी पूरी वाला है ना ऐसे ही करते हैं भैया, मैंने देखा है कि ऐसे ही 5-6 बार पटकते हैं, तो ऐसे क्या होता है सूजी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो देखिए जो डो है हमारा तैयार है, अभी लुइया तैयार करेंगे। लुइया आपको छोटा छोटा लेना है, कितना बड़ा पानी पूरी बनाना चाहते हो इस हिसाब से आपको लुइया आपको तैयार करना है। तो चलिए अभी लुइया तैयार कर लेते हैं। लुइया तैयार करते समय बाकी का जो लुइया है आपको ढककर रखना है, नहीं तो क्या होगा हवा लग जाएगा तो ये सूख जाएगा, अच्छे से नहीं फूलेगा पानी पूरी और ये पपड़ी जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए ढककर रखना है और कुछ तो आपको ऐसे बॉल्स बना लेना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सूजी का पानी पूरी होता है ना, पहले से आपको ऐसे बॉल बनाकर रखना है, इसके बाद आपको बेलना है और फिर फ्राई करना है। बेलते हुए आपको फ्राई करना है, ऐसा नहीं है कि हम जब मैदे की पानी पूरी बनाते हैं ना बेल कर फिर ढककर रखते हैं, ये प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट ही आपको ऐसे बेलना है और डीप करना है ऑयल में। आपको दिखाने के लिए पहले मैं बेल रही हूँ, एक दो मैं बेल के आपको दिखा रही हूँ। आप पहले से इसे बेल के रखोगे तो आपका जो सूजी का पानी पूरी है फूलेगा नहीं। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, पहले तो मैं बेल रही हूँ, इसके बाद ऑयल में डीप कर रही हूँ। ऑयल को आपको धुएँदार गर्म नहीं करना है, गर्म करना है, इसके बाद मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है। कुछ बातों को आप ध्यान नहीं रखोगे सूजी का पानी पूरी आपका बढ़िया नहीं बनेगा। सूजी का पानी पूरी बहुत ही ईजी होता है बनाना, पर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ठंडा तेल में आपको जो पानी पूरी है इसे डीप नहीं करना है, ऑयल को आपको गर्म करना है पहले, इसके बाद मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है। और देखिए पहले आपको कंची नहीं चलाना है, कुछ देर के बाद आपको कंची को चलाते हुए इसे फ्राई करना है। इसे फूलने देना है, जो फूल जाएगा वो तो फूल जाएगा, नहीं तो कुछ तो पिचक भी सकता है, पर आप कंची की मदद से भी इसे फूला नहीं पाओगे। जो फूलना है वो ऑयल में डिप करते ही फूल जाता है। तो देखिए कितने बढ़िया से जो सूजी का पानी पूरी है वो फूल रहा है, कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। कुछ बातों को आप ध्यान रखोगे बहुत ही बढ़िया आपका पानी पूरी बन के आएगा। तो देख लीजिए कैसे मैं करती हूँ, और सभी पानी पूरी को ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। तो आपने देखा ना सूजी का जो पानी पूरी है बनाना कितना ईजी है और टाइम भी नहीं लगता है, और कोई झंझट झमेला भी नहीं है, ज़्यादा मसलना भी नहीं पड़ता है, बहुत ही ईजी के साथ साथ ये टेस्टी पानी पूरी का रेसिपी है। आप ट्राई करके देखना। अगर मेरा सूजी पानी पूरी का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।